नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिद्धार्थनगर से आ रही इस खबर के साथ। सिद्धार्थनगर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण के दौरान प्रिंसिपल द्वारा प्राथमिक स्कूल के बच्चों से महापुरुषों के साथ योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शोहरतगढ़ ब्लॉक संसाधन केंद्र के प्राथमिक विद्यालय रंबापुर तिवारी का बताया जा रहा है। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर बताए जा रहे इस वायरल वीडियो में राष्ट्रगान के बाद अध्यापकों द्वारा स्कूल के बच्चों से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के साथ मोदी और योगी जिंदाबाद के नारे भी लगवाए जा रहे हैं। तो चुनावी माहौल और आचार संहिता लगने के बाद सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए इस मामले में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा है कि इस मामले की सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें भी जानकारी मिली है। मामले का संज्ञान लेकर बीएसए को जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कि एक वीडियो वायरल हुआ है और ये कल रात में ये चीज़ संज्ञान में आई है कि सोशल मीडिया पर के माध्यम से कि ये वीडियो और शिकायत हुई है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो इस क्रम में ऑलरेडी बेसिक शिक्षा अधिकारी को बता दिया गया और उन्हें बोल दिया गया कि शो कॉज नोटिस इशू करें और जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से फिर उसमें कार्रवाई भी आरपी लोक प्रतिनिधित्व जो हमारा एक्ट है उसके में आरपी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी वो कार्रवाई भी की जाए। वहीं यूपी के पीलीभीत जनपद में आगामी विधानसभा 2022 चुनाव मतदान को लेकर आज से नामांकन प्रपत्रों की बिक्री का काम आज से शुरू हो चुका है। कलेक्ट्रेट परिसर में इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं पीलीभीत की तस्वीरें हैं जहाँ पर नामांकन प्रपत्रों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। की चारों विधानसभाओं के लिए आज नोटिफिकेशन हो गया है और नामांकन की प्रक्रिया जारी हो गई है। आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पदाधिकारियों के साथ भी मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बैठक करके जो भी माननीय आयोग के निर्देश हैं आदर्श आचार संहिता को लेके, नामांकन को लेके, वो उनको समझाए गए। हमारी जो बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएँ हैं आरओज के चेंबर की जहाँ पर नामांकन होना है उसका भी हमने सुबह जायज़ा लिया है और सभी ड्यूटियाँ मौके पे पहुँच गई हैं। सभी पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आयोग के निर्देश के क्रम में ये नामांकन प्रक्रिया पूरी कराएंगे और उसके आगे चुनाव भी उसी तरीके से रहेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि बुढ़ाना और छपरौली की सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर है। सीटों पर जनता से सहयोग मांगा तो वहीं बता दें आपको, यहां पर उन्होंने पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ कि यूं ही बदल जाऊंगा। जैसे ही वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान कार्यकर्ताओं ने उनसे बीजेपी में कल जयंत चौधरी को दिए गए ऑफर के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान आंदोलन लंबा चला है उससे भी ज़्यादा लंबा गठबंधन चलेगा और कार्यकर्ताओं से कहा कि आपने बीजेपी के लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं तो मैंने भी बीजेपी के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ जो भाजपा के ऑफर देने पर ऐसे ही बदल जाऊँगा। वहीं कैराना को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कैराना को लेकर बीजेपी पार्टी लगातार कैराना में पलायन का प्रचार कर रही है, मुजफ्फरनगर की जनता बीजेपी का पलायन करते ही। किसान आंदोलन व हाथरस की घटना को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला, कहा कि जिस तरह से हाथरस पहुंचने पर लाठी चार्ज की गई थी उसको भी याद रखा जाएगा। शाम को मीटिंग बुलाई जा रही है कि समाज जो है हमारे साथ है और हमारा दरवाजा भी खुला है। मेरे लिए बात कही कि दरवाजा खुला है, आपका जो दरवाजा बंद है उनके लिए, आपने उसकी वार्ड बंद कर दिया, गांव बंद कर दिए, मेले भी बंद है। इतने हल्के में ना रहे, रोज रोज फैसले बदलते नहीं। बहुत अधिकारी आपने बहुत जाति की लोगों के साथ, लखीमपुर की घटना, हाथरस में जिस तरह से लोगों को रोका गया, लाठी चलाई गई, मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ताओं ने आगे मेरा बचाव किया, क्यों किया, क्यों लड़ाई हमने लड़ी, क्यों संघर्ष किया, आज उस बड़े लक्ष्य को अपने मन में रखना, आखिरी वक्त तक सतर्क रहने की जरूरत है। तो इनके पास किटारे में और कुछ नहीं,
ये जिन्ना की बात करेंगे, औरंगजेब को दो चार गाली बकेंगे, पलायन की बात करेंगे, इसके अलावा इनको कुछ नहीं। ये गन्ने की बात कभी नहीं कर सकते, ये नौकरी की बात कभी नहीं कर सकते, ये कभी ये बात नहीं मानेंगे कि इंकलाब में शोषण हुआ। वो लखनऊ जाता है सवाल पूछ रहे, उन पर लाठियां चलाई जाती है, विश्वविद्यालय के कैंपस में घुसते छात्रों पे नौजवानों पे लाठी चलाई जा रही है। मैं आपको वादा करता हूँ कि जो हमारी सरकार बनेगी कोई बात गाड़ी पहुंचेगा लखनऊ, कोई डिमांड लेके कभी कोई जन आंदोलन होगा, उस जन आंदोलन का सरकार सम्मान करेगी, अधिकारी आपके आगे झुकेंगे, कभी लाठी आपको। वहीं मैनपुरी में तीसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हुई। आज नामांकन के दूसरे दिन आबकारी मंत्री नाम नरेश अग्निहोत्री ने भाजपा से मैनपुरी जनपद की भोगांव सीट और पूर्व मंत्री जयवीर सिंह ने भाजपा से मैनपुरी सदर सीट से आज नामांकन किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि वह 100% जीत हासिल करेंगे, जनता और देश की सेवा करेंगे, जिले और विधानसभा का विकास करेंगे, कानून और विकास उनके मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि मैनपुरी के करहल सीट से अखिलेश के चुनाव लड़ने से यहाँ की किसी भी सीटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समाजवादी पार्टी पर उल्टा असर पड़ेगा। उन्होंने मीडिया से कहा कि करहल विधानसभा अखिलेश यादव के विरोध में अच्छा प्रत्याशी ढूंढकर नामांकन से पहले लाएगी और चुनाव लड़ाएगी। जयवीर सिंह चौहान भोगांव ने आज नामांकन किया है और साथ ही साथ राम नरेश अग्निहोत्री ने भी नामांकन किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, मैनपुरी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जयवीर सिंह चौहान ने भोगांव से नामांकन किया है तो वहीं राम नरेश अग्निहोत्री ने भी नामांकन किया है। जा रहा है उनको कौन प्रत्याशी आ रहा है? ये सब नहीं, वो हमारा नेतृत्व है, आईडी ऊपर रखो, कल बढ़ाई रखो, कई प्रत्याशी बढ़ाओ आईडी और मेरे ध्यान रखो, कई प्रत्याशी हैं, हमारा नेतृत्व जो है सूझबूझ के साथ कड़ी टक्कर देने वाला प्रत्याशी। आदरणीय योगी जी और मोदी जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोक हित में, लोक कल्याण के लिए, जनहित में और पूरे प्रदेश की कानून और व्यवस्था में मूर्छित परिवर्तन करके जो काम किया है इस डबल इंजन की सरकार ने, उसी का परिणाम होगा आने वाले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी और हम 300 से ज़्यादा पहले से ज़्यादा सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैनपुरी सदर पर भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या अनुमान लगाया जाए कि कमल खिलाने में सफल होंगे आप, या दो बार से सपा विधायक ने जिस तरीके से साइकिल चलाई है वैसे साइकिल चलेगी? साइकिल तो पंचर हो चुकी और आज जो दुर्गति बहुजन समाज पार्टी की है प्रदेश में, वही स्थिति समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। हम जिले की चारों सीट जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रचंड बहुमत, जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। वहीं मैनपुरी में 8 साल की बच्ची के साथ बेहद शर्मनाक करतूत कर हैवानियत का मामला सामने आया है। पुलिस ने बलात्कार के आरोप में एक इमाम को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक किशनी थाना क्षेत्र में एक गांव में 52 साल के इमाम ने मस्जिद के अंदर पढ़ने आई एक 8 साल की बच्ची को लालच देकर उसके साथ कथित तौर पर रेप कर जघन्य घटना को अंजाम दिया है। हमारी बच्ची 2 बजे पढ़ने गई थी और वहाँ पढ़ते पर हाफिज जी ने वाले गंदी हरकतें की, इसने मुझे घर पे आके बताया। कितने साल की बच्ची है? 8 साल की। बलात्कार किसने किया है, कौन था? हाफिज जी। हाफिज जी थे जी। क्या मामला था पूरा? पूरा था कि बच्ची पढ़ने जाती थी। कहाँ पे? मस्जिद। मस्जिद में पढ़ने जाती थे तो वहाँ क्या हुआ इसके साथ? थाना किशनी का है, यहाँ कल एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ जो मदरसे में पढ़ने के लिए जाती थी उसके साथ वहाँ पे जो मौलवी था उसके द्वारा दुष्कर्म किया गया है। थाने पर सूचना प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है
और जो इसमें नामित अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है जहां उसकी स्थिति ठीक है। साल की मासूम बच्ची मस्जिद में कुरान पढ़ने गई थी, लेकिन इसके बाद उसके साथ शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। कानपुर देहात में अकबरपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को भी अनदेखा किया। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला ने आज अपने रानिया अकबरपुर विधानसभा के मुख्य चुनाव कार्यालय का अकबरपुर में उद्घाटन किया। इस बीच दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय में पूजा अर्चना की गई। इस दरमियान भाजपा प्रत्याशी सहित किसी एक कार्यकर्ता ने मास्क नहीं पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। गौरतलब है कि देश में ओमिक्रॉन वायरस तेजी से पैर पसार रहा है, रोजाना कोविड के मरीजों की तादाद बढ़ रही, बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही कार्यकर्ताओं की जान जोखिम में डाल सकती है। वहीं इस मामले को जिले की एडीएम साहिबा ने वीडियो देखकर जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो कानपुर देहात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर एडीएम साहिबा ने कहा है कि वो जल्द इस पर जाँच कर कार्रवाई करेंगे। अभी आपके द्वारा मुझे ये जानकारी मिल रही है, मैं संबंधित क्षेत्र के आरओ को निर्देशित करती हूँ कि वहाँ पे वो पहुँच के अभी वहाँ की जांच कराएंगे और जांच कराने के पश्चात जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो कराया जाएगा। कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के नेतृत्व में थाना अकबरपुर पुलिस व उड़न दस्ता टीम ने टोल 12 में चेकिंग के दौरान एक कार को रोका, जिसमें कार सवार से पूछताछ व कार की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 9,45,650 रुपये मिले। पूछताछ की गई तो इतने रुपए रखने का स्पष्ट कारण नहीं बता सके, जिसके बाद थाना अकबरपुर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में बरामद 9,45,650 रुपयों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में नियमित रूप से सघन चेकिंग का संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों का अभियान चलाया जाता है। उसी क्रम में आज प्रातः टोल 12 पर लगभग 6:30-7 बजे के आसपास हमारे चौकी प्रभारी द्वारा चेकिंग की जा रही थी पुलिस बल के साथ, तभी कानपुर नगर की तरफ से एक वाहन जिसका नंबर UP 78 FK 0454 था उसको रोका गया। चेकिंग के दौरान उसमें 9,45,650 रुपये मिले। जो व्यक्ति उसमें गाड़ी में थे उनके पास उसका कोई दस्तावेज नहीं था जिनके बारे में वो कोई सटीक जानकारी नहीं दे सके, जिसके संबंध में तत्काल FST टीम को वहाँ बुलाया गया और FST के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके द्वारा उनको धनराशि ले लिया गया है और उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया जनपद के पूर गांव के सेलरा पर राजभर बस्ती का मामला है,
जहां राजभर बस्ती के बली राजभर की जमीन को दबंगों ने फ्रॉड कर उनकी जमीन का कब्जा कर लिया, जिससे पीड़ित होकर बली राजभर ने जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगाई। लेकिन गुहार लगाने के बाद भी पीड़ित बली राजभर को न्याय नहीं मिला। पीड़ित ने यह आरोप लगाया है कि जब पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया और जबरदस्ती बली राजभर और उनके बेटे से दबंगों के सिग्नेचर करा लिए। इतना ही नहीं, पुलिस ने धमकी भी दी और कहा कि अगर सिग्नेचर नहीं किया तो तुम्हें 151 में जेल भेज देंगे। पुलिस के धमकाने के बाद जेल जाने के डर से दबंगों के सामने ही पुलिस ने सिग्नेचर करा लिया। कि साहब हम 47 डिसमिल जमीन लिए थे बाबू जोगिंदर सिंह से, वो जमीन हमको चक वहीं पर मिला था, लेकिन हमारा भी जो विपक्षी है हमारा ही नंबर ज़्यादा मालियत में देकर हमारा जमीन हड़प लिया है। इसके बाद हम सिकंदरपुर से वहाँ भी नहीं गए, फिर से बनिया गए, वहाँ भी उसी तरह हम बहुत परेशान हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारा परिवार खाने बिना, हमारा खेत उसी तरह है, आकर चेक किया जाए, हम लोग हमारा पूरा परिवार खाने बिना मर रहा है, हम मान लीजिए कहाँ जाएँ। अब इतना हमारे पास तो पैसा नहीं है कि हम अपना किसी तरह गुजर बसर हम लोग कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है साहब कि हमारा जितना नंबर है उतना मिल जाना चाहिए। हाँ, तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।